अब लोन दो तरीके के होते हैं, एक हमने करा अभी लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म आपको लोन दे दे, कह रहे मतलब फर्म मेरी फर्म मुझे लोन दे रही है, कुछ भी हो सकता है। अब आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो तो ड्राइंग्स भी तो कर सकते हो, तो अगर आप लोन दे सकते हो तो फर्म भी आपको, आप फर्म से लोन ले भी सकते हो। बाकी सारी बातें ठीक है, मेन बात पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सा लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, फर्म का एसेट है। तो सर जो हमने वो पढ़ा है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में कि इफ नथिंग स्पेसिफाइड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम विल बी गिवन, तो क्या ये दोनों लोन्स पे अप्लाई होगा कि लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म और बाय द फर्म टू द पार्टनर, क्या दोनों पे अप्लाई होगा? नहीं दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब ना इंसाफी है फर्म के लिए, अनफेयर है कि फर्म ने अगर आपको लोन दिया है और अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा आपसे, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने फर्म को लोन दे रखा है और कुछ डिसाइडेड नहीं है तो 6% तो आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत रेयरली आता है एडजस्टमेंट, तो आधे लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता। सिर्फ क्या पढ़ा होता है, पार्टनर्स लोन, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, तो फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है। उस पे क्या वो लोन देना तो फर्म के लिए एसेट हो जाएगा, बात हो रही है कि उस पे जो इंटरेस्ट है क्या वो मैंडेटरी है? नो वो मैंडेटरी नहीं है, अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है तो ही फर्म आपसे रिकवर करेगी। एक चीज अब ध्यान से देखना, दूसरी चीज फर्म आपसे रिकवर कर रही है, फर्म आपसे रिकवर कर रही है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? इन द सेंस कि फर्म ने आपको लोन दिया है, 10 लाख का लोन दिया, 5% इंटरेस्ट है, 50,000 रुपये, फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी या आपको देगी? तो आपसे रिकवर कर रही है, उस वे में कह रहा हूँ कि आपसे रिकवर कर रही है, तो आपसे चार्ज कर रही है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है इनकम, फर्म के लिए इनकम है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये इनकम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, या नो आइडिया? अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो इट कैन बी नो आइडिया। पीएनएल अकाउंट में जाएगी, ये पीएनएल अकाउंट में जाएगी, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, मतलब पार्टनर से रिलेटेड इनकम नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड ओवर एंड अबव योर कैपिटल है ये, तो ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। बट रिकवर किससे करनी है? पार्टनर से रिकवर करनी है। तो अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं अभी तो उसके कैपिटल को डेबिट किया जा सकता है, उसके कैपिटल को डेबिट किया जा सकता है। डाउट? इनकम फॉर द फर्म मैंडेटरी नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है तो ही ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, तो इस पे वो 6% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अ फर्म में गिव अ लोन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज चार्ज ओनली इफ इट इज अग्रीड बाय द पार्टनर्स। अग्रीड बाय द पार्टनर्स मतलब अग्रीमेंट में मेंशनड है, इट इज चार्ज एट द अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दस इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और चार्ज इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड, द इंटरेस्ट विल बी नॉट चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। कोई भी डाउट? इफ इट इज अग्रीड तो चार्ज करेंगे एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं है, पीएनएल अकाउंट में आ जाएगी। एक चीज पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो अभी आपके लिए बस इतना है कि उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। हम अभी आगे जाके सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट होता है कि जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं, करंट अकाउंट भी बनते हैं। मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता, तो अभी बस इतना सा पता होना चाहिए, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट तब तक चार्ज नहीं होगा जब तक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। अगर चार्ज हुआ तो इनकम है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पर जाएगी, पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगी। बस करेंट अकाउंट कब बनता है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि वो तो फिर सबके लिए एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा वो रूल, सैलरी वो हर चीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो एक साथ सीखेंगे ना। अभी बस इतना होना चाहिए वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा ये इंटरेस्ट या पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ओके।
तो अभी आपके लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो जब चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं, तो इसलिए उसको डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है क्यों? उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। फर्म के लिए इनकम है, फर्म का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और ये कहाँ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएनएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, क्लियर? इजी है, सिर्फ इसलिए कराया कि ये समझ आए कि दो तरीके के लोन हो सकते हैं, और उसमें अगर कॉन्सेप्ट आया तो वो जानबूझ के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 99 में होता है पार्टनर्स लोन, कौन सा, जो लाइबिलिटी है फर्म की, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, 1% चांस है कि ये वाला आ जाए। अब क्योंकि करा नहीं होता, आ जाए तो हमें तो लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो सेम ही होता होगा, इस पे भी 6% होता होगा, अगर नहीं कर रखा तो ये गलती बहुत कॉमन होती है। तो इसलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अलग से कर लेना।